नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। लालकुआं विधानसभा कांग्रेस कमेटी की तरफ से मेरा बूथ मेरा गौरव प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों बूथ कार्यकर्ताओं को आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए ट्रेनिंग दी गई। आयोजित शिविर में कुमाऊं संयोजक प्रशिक्षण शिविर इंदु मान ने भी भाग लिया। उन्होंने आने वाले चुनाव 2022 को लेकर नीति निर्धारण तय किया। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के मोटा हल्दू स्थित बैंक्वेट हॉल में आयोजित मेरा बूथ मेरा गौरव प्रशिक्षण शिविर में दिल्ली से आए एक्सपर्ट ने 2022 में आने वाले चुनाव के विषय पर कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी। वहीं आयोजित शिविर में पहुंचे कुमाऊं संयोजक प्रशिक्षण शिविर इनमन ने बूथ कार्यकर्ताओं से कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कई सुझाव भी साझा किए हैं। तो लालकुआं की तस्वीरें, मिशन 2022 की तैयारियों में कांग्रेस पुरजोर कोशिश के साथ जुटी हुई है। ऐसे में मेरा बूथ मेरा गौरव प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। ऐसे में तमाम कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं। साथ ही साथ लोगों से अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में कांग्रेस को वोट करें। ऑल इंडिया केंद्रीय श्री गुरु सिंह सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तरविंदर सिंह मारवा ने सितारगंज के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उत्तराखंड सरकार पर बारिश से आई आपदा में पूरी तरह फेल होने के आरोप लगाए। मारवा का कहना है कि बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर, चाहे वो केंद्र की बीजेपी सरकार हो या राज्य की, दोनों जगह पूरी तरह से फेल साबित हुई है। सितारगंज की तस्वीरें, तरविंदर सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा है और निशाना साधते उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। आप बता दें कि कुछ दिनों पहले ही उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बरसात की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ था, कई लोगों की जान चली गई थी। ऐसे में तजविंदर मारवा यहां पर पहुंचे, उन्होंने प्रेस रिलीज किया, साथ ही साथ उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आपदा की स्थिति में सरकार ने कोई काम नहीं किया है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बूथ स्तर को मजबूत करने में जुट गई है। भगवानपुर के निजी बैंक्वेट हॉल में मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड कांग्रेस की सह प्रभारी दीपिका पांडे और विधायक ममता राकेश समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ताओं को हर विधानसभा में बूथ स्तर को मजबूत करने और कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस दौरान सह प्रभारी दीपिका पांडे ने कहा कि मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम के तहत कांग्रेस के बूथ स्तर के सच्चे कार्यकर्ताओं को चिन्हित कर उनका सम्मान भी किया जाएगा। भगवानपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कांग्रेस पुरजोर तरीके से जितोड़ मेहनत कर रही है अपने आप को सफल दिखाने के लिए, साथ ही साथ अपने आप को सत्ता पर काबिज करने के लिए। तो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बूथ स्तर पर मजबूताई ढूंढ रही है और ऐसे में मजबूत स्थिति में आने की कोशिश कर रही है। भगवानपुर के निजी बैंकेट हॉल में मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड कांग्रेस की सह प्रभारी दीपिका पांडे और विधायक ममता राकेश समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ताओं को हर विधानसभा में बूथ स्तर को मजबूत करने और कांग्रेस की नीतियों को आम जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस दौरान सह प्रभारी दीपिका पांडे ने कहा कि मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम के तहत कांग्रेस के बूथ स्तर के सच्चे कार्यकर्ताओं को चिन्हित कर उनका सम्मान भी किया जाएगा और ऐसे ही आम जनता से अपील की जाएगी और कांग्रेस किस तरह से काम कर रही है और आगे किस तरह से काम करेगी, ये तमाम जानकारी जनता तक पहुंचाई जाएगी। प्रदेश कांग्रेस के द्वारा मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये प्रशिक्षण शिविर इसका पहला पड़ाव है जहाँ विधानसभावार की ट्रेनिंग करा रहे हैं और उन्हें भाजपा की जो जुमलेबाज सरकार है उनके कार्यक्रमों के बारे में सूचित करना हो, या नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताना हो और कैसे इस झूठ प्रपंच की सरकार से हमें जनता को निजात दिलाना है, इसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारे बूथ के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार जनता की सेवा के लिए जितनी योजनाएँ हैं उनको जनता तक पहुँचाने के लिए काम करते रहे हैं। प्रावधान के तहत आज उत्तराखंड में इस प्रशिक्षण की शुरुआत हो रही है। बूथ अध्यक्षों को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम आज पहला दिन है। मेरा बूथ मेरा गुरु, हर कार्यकर्ता को ये समझना होगा कि हमारा बूथ हमारी मजबूती है और हमें हर बूथ को अपने मजबूत करना है। हमें अपने कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाना है, अपने बूथ अध्यक्षों का भी, अपनी कमेटी का, बूथ अध्यक्ष जो कमेटी है उसको मजबूत करके पार्टी की नीतियों को प्रचार प्रसार करना है, हर घर तक कांग्रेस जाएगी। कोरोना से
बचाव के लिए टीकाकरण अभियान में अब विपक्ष भी अपनी भूमिका निभाने लगा है। कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में उत्तराखंड कांग्रेस की ओर से टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने टीकाकरण शिविर का शुभारंभ किया। उन्होंने खुद कोरोना का टीका लगवाकर शिविर का शुभारंभ किया है। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और आम जनता ने शिविर में आकर कोरोना का टीका लगाया है। वहीं शिविर में 18 साल से ऊपर के लोगों को पहचान पत्र दिखाने के बाद टीका लगाने की अनुमति भी दे दी गई है। तो देहरादून की तस्वीरें आप देख रहे हैं। गणेश गोदियाल ने टीकाकरण शिविर का शुभारंभ किया गया है। आपको बता दें कि लगातार टीकाकरण को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, तो ऐसे में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान में अब विपक्ष भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में उत्तराखंड कांग्रेस की ओर से टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने टीकाकरण शिविर का शुभारंभ किया। उन्होंने खुद कोरोना का टीका लगवाकर शिविर का शुभारंभ किया। इस संख्या में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। अच्छी बात है। और टीकाकरण अभियान कांग्रेस के इस प्रदेश कार्यालय में भी हो, इसी मकसद से यहाँ पर ये आयोजन किया गया है। मैं डिपार्टमेंट का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे इस मांग पर उन्होंने सकारात्मक रुख अपनाते हुए यहाँ पर अपनी टीम भेजी है। और मैंने आज स्वयं, क्योंकि मुझे बीच में कोविड हो गया था और कोविड के बाद कुछ समय तक ये टीका नहीं लिया जा सकता, इसलिए मेरा आज पहला ये टीका मैंने लगाया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उनकी टीम को। और मेरा सभी से निवेदन है कि जो भी टीकाकरण अभियान के तहत जिनको भी टीके लगाए जाने हैं, पूरे देश में, पूरे राज्य में, जिस लिमिट तक, जिस उम्र तक के बच्चों को लगने हैं, सभी लोग टीका लगाएं और इस बीमारी से लड़ें। 30 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। देहरादून के बन्नू स्कूल से गृह मंत्री अमित शाह चुनावी बिगुल फूंकते वाले हैं। वहीं मंत्री अमित शाह के जनसभा को लेकर बीजेपी ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। लगभग 1,00,000 लोगों के इस कार्यक्रम में जुटने की बात भी कही जा रही है। नई ऊर्जा, नए जोश के साथ चुनावी साल के अंतिम क्षणों में गृह मंत्री अमित शाह का दौरा कई राजनीतिक मायनों से महत्वपूर्ण है। अमित शाह के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थलीय निरीक्षण भी किया है। तो देहरादून की तस्वीरें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थलीय निरीक्षण किया और जिस जगह पर विशाल जनसभा होनी है वहां पर गए हैं, जायजा लिया है। साथ ही साथ जो अधिकारी वहां पर मौजूद थे उनसे भी बातचीत की। दरअसल 30 अक्टूबर को गृहमंत्री अमित शाह उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। देहरादून के बन्नू स्कूल में गृहमंत्री अमित शाह चुनावी बिगुल फूंकने वाले हैं। वहीं अमित शाह के जनसभा को लेकर बीजेपी ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। लगभग 1,00,000 लोगों ने इस कार्यक्रम में जुटने की बात कही है। नई ऊर्जा, नए जोश के साथ चुनावी साल के अंतिम क्षणों में गृहमंत्री अमित शाह का दौरा कई राजनीतिक मायनों में महत्वपूर्ण है। अमित शाह के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थलीय निरीक्षण किया है। अधिकारियों का तमाम दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो देहरादून की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थलीय निरीक्षण किया है। दरअसल 30 अक्टूबर को उत्तराखंड दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह आने वाले हैं। मुख्यमंत्री शहरी योजना की यहाँ पर लॉन्चिंग होगी और 950 स्थानों पर सीधे इस प्रोग्राम को लोगों से कनेक्ट किया जाएगा और माननीय गृह मंत्री जी उस योजना को लॉन्च भी करेंगे, उसका उद्घाटन करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर अपना संबोधन भी करेंगे। चमोली के निजबुला घाटी में वीर गंगा का जलस्तर बढ़ने से लकड़ी की अस्थायी पुलिया बह गई है। इससे ईरानी, भनाली और झीझी के ग्रामीण गांवों में ही लगातार कैद होते हुए नजर आ रहे हैं। 18-19 अक्टूबर को वीर गंगा का जलस्तर बढ़ने से पुलिया बह गई थी। इससे कई गांवों का संपर्क पूरी तरह से कट गया। ये पुल ग्रामीणों की आवाजाही का एकमात्र साधन था। साथ ही ये रास्ता लॉर्ड कर्जन ट्रैक को भी जोड़ता है। वहीं ग्राम प्रधान मोहन सिंह नेगी ने बताया कि पाणा, ईरानी और झींझी में बारिश से कई हेक्टेयर कृषि भूमि भी तबाह हो गई है। एकमात्र पुल था वो भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। ऐसे में लोगों को आवाजाही करने में बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि लोग पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी खुद ही अस्थायी तौर पर इस पुल का निर्माण कर सकें। जनपद चमोली के दसोई ब्लॉक के ईरानी गांव के नीचे एक गधेरे में पुलिया बनी हुई थी और वो 18 तारीख की आपदा में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हो गई थी। और इससे पूर्व सितंबर में भी वह पुल बह गया था, उसके बाद ग्रामीणों ने श्रमदान करके बनाया था। और 18 तारीख की अतिवृष्टि में
एक बार ये पुल पुनः बह गया, उसके बाद लोगों का आना जाना बंद हो गया था, लोगों की राशन बंद हो गई थी और बीमार लोग अस्पताल आ नहीं पा रहे थे। और इस संदर्भ में मेरे द्वारा जिलाधिकारी चमोली से, आपदा अधिकारी चमोली से बात कर और पीएम जसवे से बात कर इस अस्थायी पुल के निर्माण की बात कही गई थी। और आज पीएम जसवाई और ग्रामीणों के आपसी सहयोग के कारण ये पुल बना दिया गया है, जिसके बाद लोगों के आने जाने का रास्ता सुगम हो गया है। और इस पैदल मार्ग से राशन, जो बीमार लोग अस्पताल आएंगे वो आ पाएंगे, और साथ साथ ही जिन लोगों की बकरियां इधर से उधर जाती हैं वो आएंगे, और बहुत सारे ट्रैकर भी इस रास्ते से आते जाते हैं और वो भी सही तरीके से अब जा पाएंगे। रुद्रप्रयाग से सटे गांव सौड़ उमरेला के बबीता रावत ने छोटी सी उम्र में अपना और परिवार के लालन पालन को लेकर खेती बाड़ी का काम शुरू कर दिया है। उनकी ये मेहनत रंग लाई तो गांव की अन्य महिलाओं ने भी उनकी देखा देखी साग सब्जियों का काम शुरू कर दिया, जिससे आज गांव हरा भरा हो गया है और बबीता पूरे जिले की महिलाओं के लिए प्रेरणा भी बन गई है। जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सौड़ उमरेला में पानी की गंभीर समस्या है, बावजूद इसके बबीता ने गांव को हरा भरा करने की ठानी है। उन्होंने साल 2017 में खेती का काम शुरू किया और सबसे पहले अपने पुराने मकान में मशरूम का उत्पादन किया। इसके लिए उन्होंने ट्रेनिंग भी ली और ट्रेनिंग लेने के बाद उन्होंने जब इसका उत्पादन शुरू किया तो उनमें 2 महीने में ही सफलता हासिल हो गई। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा है। तो रुद्रप्रयाग की तस्वीरें हौसलों से बंजर भूमि को पूरी तरह से हरा भरा कर दिया है। छोटी सी उम्र में ही खेती का काम शुरू किया और मेहनत रंग भी लाई है। तो रुद्रप्रयाग से सटे गांव सौड़ उमरेला की बबीता रावत ने छोटी सी उम्र में अपना और परिवार का खर्चा उठाने की कोशिश की है, ऐसे में उन्होंने खेती बाड़ी का काम शुरू किया। उनकी ये मेहनत रंग लाई तो गाँव की अन्य महिलाओं ने भी उनकी देखा देखी काम करना शुरू कर दिया है, जिससे आज गाँव पूरी तरह से हरा भरा बन गया और बबीता पूरे जिले की महिलाओं के लिए प्रेरणा भी बन गई है। जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव है सौड़ उमरेला, जहां पर पानी की गंभीर समस्या है, बावजूद इसके बबीता ने गांव को हरा भरा करने की ठान ली और साल 2017 में खेती का काम शुरू कर दिया और सबसे पहले अपने पुराने मकान में मशरूम का उत्पादन शुरू किया। इसके लिए उन्होंने ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेने के बाद उन्होंने जब इसका उत्पादन शुरू किया तो उन्हें 2 महीने में भी सफलता हासिल कर ली। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज भी लगातार वो खेती बाड़ी कर रही हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं जब पहले खेती करती थी तो लोगों को लगता था कि पता नहीं क्या ये लड़की कर रही है। जब मैंने यहाँ पे काम शुरू किया तो लोगों ने देखा कि हाँ, सब्जियों से काफ़ी सारा, भले हम मेहनत करें, खेती से काम खेती करें, तो जितना उनको पारंपरिक खेती करके नहीं मिल रहा है उतना सब्जी से हमें, अगर हम 2-4 किलो भी सब्जी बेचें तो हमें उससे काफ़ी कुछ मिल जाता है। तो लोग मुझे देखते हैं, गांव में देखते हैं, तो आज हमारे गांव में ये स्थिति है कि हर किसी के परिवार में अपने अपने लिए वो सब्जियां तैयार करते हैं। काफ़ी टाइम से, पहले जब छोटी थी 8-9 में पढ़ती थी तब से उसने हल लगाना शुरू कर दिया था और उसके बाद धीरे धीरे उसने खेती बाड़ी का काम, मशरूम का काम, हल लगाने का काम वही करती है। तो पापा की तबीयत खराब रहती तो इसलिए वही पहले से करती है पूरा काम। रुद्रपुर के डीडी चौक के पास लंबे समय से अतिक्रमण कर दुकानें संचालित कर रहे अतिक्रमण के खिलाफ आज जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम की तरफ से ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। सड़क किनारे अतिक्रमण कर दुकानों का संचालन कर रही दुकानों को टीम की ओर से ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान प्रशासन की तरफ से की जा रही कार्रवाई का दुकानदारों ने विरोध करते हुए जमकर हंगामा भी काटा। इस दौरान पुलिस प्रशासन और दुकानदारों के बीच जमकर धक्का मुक्की भी हुई। वहीं मौके पर पहुंचे विधायक राजकुमार ठुकराल और जिलाध्यक्ष शिव अरोड़ा ने प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत कर दीपावली के बाद अतिक्रमण हटाने का आश्वासन दिया। उधम सिंह नगर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर पुलिस प्रशासन के साथ धक्का मुक्की की तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल नगर निगम की ताबड़तोड़ कार्रवाई अवैध अतिक्रमण पर की जा रही है। देखिए, पहले भी इसमें 3 बार नोटिस दिए जा चुके थे, इसलिए आज अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई प्रारंभ की गई थी और वहाँ पर लोगों को सुना गया, जनप्रतिनिधियों को भी सुना गया और इस बात पर एक सहमति बनती हुई नज़र आई है कि दिवाली तक का समय दे दिया जाए और दिवाली के बाद वो लोग स्वयं ही अपना अतिक्रमण हटा लेंगे, अन्यथा की स्थिति में नगर निगम पुनः कार्रवाई करेगा। नगर निगम की कार्रवाई यहाँ पर की गई है, जिसके तहत जो अवैध अतिक्रमण किया हुआ है उसे हटाने की कोशिश की गई।
रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में रुड़की प्रशासन ने अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई की है, जिससे खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के निर्देशों पर अवैध खनन तहसील प्रशासन ने गाधरौना गांव के जंगल में छापेमारी की। वहीं छापेमारी के दौरान दो डंपरों के साथ एक जेसीबी मशीन बरामद की। बताया जा रहा है कि अवैध खनन की शिकायत मिलने के बाद रुड़की प्रशासन की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। तो रुड़की की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर रुड़की प्रशासन के अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई की गई है खनन माफियाओं में, जिससे हड़कंप मच गया। इकतीस अक्टूबर को रुड़की के पिरान कलियर में आम आदमी पार्टी की तरफ से उत्तराखंड में घोषित सीएम का चेहरा कर्नल कुठियाल पहुंचेंगे और तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। इस दिन को बेरोजगारी यात्रा का भी नाम दिया गया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस यात्रा में सभी उत्तराखंड के बेरोजगार लोगों को रोजगार देने की गारंटी भी देगी, क्योंकि उत्तराखंड के लोग आज बेरोजगारी को लेकर त्रस्त हैं। इसको लेकर कर्नल कोठियाल के पिरान कलियर पहुंचने पर भारी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। देखिए 31 तारीख को दिन रविवार हमारे कर्नल अजय कोठियाल साहब, जो मुख्यमंत्री का चेहरा है उत्तराखंड का आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो तिरंगे यात्रा में और इसको हम रोजगार यात्रा का भी हमने नाम दिया है, उसमें शामिल होंगे। और हमारी जो सभा संबोधन होगा हज हाउस के सामने जो एरिया है, वहाँ पर एक सभा का संबोधन होगा और वहाँ से हम लोग पदयात्रा करते हुए तिरंगे और झंडों के साथ अपना जो हमारा पिलखन चौक है वहाँ से, पीपल चौक जो है वहाँ से, सैतान चौक से और अपना वीआईपी रोड से होते हुए पीरान कलियर दरगाह, जो साबिरबाग की दरगाह है, वहां पर चादर पोशी करेंगे। चमोली में पहली बार फैशन को लेकर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व जिला पंचायत सदस्य उषा रावत ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में फैशन और मॉडलिंग में भी युवक और युवतियां अपना भविष्य बना सकती हैं, जिसकी चमोली के दूर दराज वाले इलाके के युवक और युवतियों में अपार संभावनाएं हैं। ऐसे में चमोली जिले में इस तरह के आयोजन युवक और युवतियों को फैशन और मॉडलिंग के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए अवसर देंगे। वहीं आयोजन समिति की समन्वयक नीलम डोरिया ने कहा है कि पहाड़ी क्षेत्र के युवाओं में फैशन और मॉडलिंग की क्षमता है, लेकिन अवसर न मिल पाने के चलते युवक इस क्षेत्र में भविष्य नहीं बना पा रहे, जिसे देखते हुए ये आयोजन कोपेश्वर में कराया गया है। तो चमोली की तस्वीरें, मिस्टर एंड मिसेस उत्तराखंड प्रतियोगिता का यहां पर आयोजन किया गया है, जिसमें फैशन को लेकर ये प्रतियोगिता रखी गई थी। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि यहां के जो नौजवान हैं उन्हें फैशन को लेकर काफ़ी क्षमता है, लेकिन यहां पर इसको बढ़ावा नहीं मिलता, जिसकी वजह से लोग पीछे रह जाते हैं। 26 अक्टूबर को हमारी सिटी गोपेश्वर में गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में एक कॉम्पिटिशन था मिस्टर एंड मिस उत्तराखंड 2021 की। तो इसमें काफ़ी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, अगर और बच्चे करते तो काफ़ी अच्छा लगता। तो मैं आपको ये बताते हुए बहुत ही प्राउड फील कर रही हूँ कि मैंने इस कंपटीशन में सेकंड पोजीशन जो है हासिल किया, और मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं आप सभी को ये कहना चाहती हूँ, वैसे ये फर्स्ट टाइम हमारी सिटी में ऐसे कॉम्पिटिशन हुआ है और ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला, इस चीज़ के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ और खुश भी हूँ कि इस पोजीशन को मैंने हासिल किया इतने सारे बच्चों के बीच में। पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर विधानसभा के द्वारीखाल ब्लॉक महेंद्राणा इतनी तेजी से चल रहा है कि इस युग को आधुनिकता का क्रांतिकारी युग बोला जा सकता है, क्योंकि किसी भी समय में बदलाव अपने आप नहीं आता, बदलाव को लाना पड़ता है और उसके पीछे की ये प्रक्रिया शिक्षा के बिना असंभव है। हर दिन हर एक बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, इसे सुनिश्चित करने के लिए द्वारीखाल के ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा ने एक ऐतिहासिक पहल की। उनकी तरफ से यमकेश्वर विधानसभा के अंतर्गत कई स्कूलों में 800 जरूरतमंद बच्चों को गोद लिया गया और इन बच्चों की शिक्षा से जुड़ी सभी जरूरतों को पूरा भी कर रहे हैं। आज उच्चतम माध्यमिक विद्यालय अमोला और जनता इंटर कॉलेज चमकोट खाल मैं, मेरा बच्चों से रूबरू है, उन बच्चों को जो जरूरतमंद बच्चे हैं उनसे मेरी वार्ता है और उन बच्चों को जो सामान वितरण बुक है उनकी जरूरत की चीज़ें हैं आज हम उनको सब चीज़ें देंगे और उनके भविष्य में हम किस तरह से इस क्षेत्र को आगे बढ़ा सकते हैं, किस क्षेत्र से उन बच्चों से हम वार्ता कर सकते हैं, उनके फ्यूचर में किस तरह से हम अच्छे यहाँ इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, अच्छे कॉलेज खोल सकते हैं, अच्छे स्टेडियम खोल सकते हैं, तो उन बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो। नैनीताल के पास कालाडूंगी मार्ग में स्थित कब्रिस्तान के पास एक शव पेड़ से लटका मिलने से हड़कंप मच गया।
जिसकी सूचना राहगीरों की तरफ से नैनीताल कोतवाली को दे दी गई है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पेड़ से नीचे उतारकर कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मिली जानकारी के मुताबिक नगर कोतवाल प्रीतम ने बताया कि मृतक की जेब से सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने अपनी मर्जी से सुसाइड करने की बात कही है। रुड़की के खानपुर विधानसभा के दल्लावाला गांव में हो रहे श्रीराम कथा का चौथा दिन था, जहां कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह और चैंपियन की पत्नी रानी देवयानी सिंह राम कथा में भाग लेने के लिए पहुंची थी। तभी वहां मौजूद एक पत्रकार ने जैसे ही वीडियो बनाने की कोशिश की तो रानी देवयानी सिंह और उनके बेटे दिव्य प्रताप सिंह उस पत्रकार पर बिगड़ गए और पत्रकार को दिव्य प्रताप सिंह और उनकी पत्नी रानी देवयानी सिंह ने घेर लिया और देखते ही देखते उस पर टूट पड़े। कुंवर दिव्य प्रताप सिंह ने पहले पत्रकार के साथ मारपिटाई की, फिर उसका मोबाइल छीन लिया। हालांकि कुछ देर बाद उन्होंने पत्रकार का मोबाइल वापस कर दिया। वहीं मौके पर मौजूद एक शख्स ने सारी घटना को अपने मोबाइल में कैद कर लिया और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। ऊधम सिंह नगर के खटीमा में लगातार महिपाल सिंह रावत कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लोक निर्माण विभाग की तरफ से जो नए प्रस्ताव भेजे गए थे उनमें एक महीने के अंदर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। तो ऊधम सिंह नगर की तस्वीरें आपको बता दें कि यहां पर लोक निर्माण विभाग के निर्माण कार्यों को लेकर खासा बातचीत की गई है। दरअसल ऊधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा में लोक निर्माण विभाग की तरफ से किए जा रहे सड़क निर्माण कार्य को लेकर रुद्रपुर परिसेक्ष लोक निर्माण विभाग के अधिकारी महिपाल सिंह रावत ने डिवीजन में चल रहे कार्य को लेकर बातचीत की। वहीं महिपाल सिंह रावत ने बताया कि लोक निर्माण विभाग की तरफ से जो प्रस्ताव भेजे गए थे उनमें एक महीने के अंदर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। खटीमा डिवीजन में तुम्हें आता रहता हूँ, कई बार मेरा इंस्पेक्शन हो चुका है। आज जो मेरा आने का मकसद था, ये इसमें हमारे जैसे अभी पैच और का काम हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया लोगों ने, और काफ़ी जगह चल रहा है। मैंने इंस्पेक्शन किया है, कम से कम 8-10 रोडों पर भी लगातार काम चल रहा है। इसके अलावा जो हमारे रिन्यूअल के कार्य है वो भी 10-12 रोडों पर चल रहा है। सितारगंज में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य बाढ़ ग्रसित क्षेत्र अरविंद नगर पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों के घर पहुंचकर उनका हालचाल जाना और गरीब परिवारों को हाइजीनिक किट बांटकर उनकी जरूरतों का सामान उपलब्ध कराया। वहीं रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों ने कोरोना को लेकर भी लोगों को जागरूक किया, साथ ही कहा कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, लोग मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, बार बार हाथों को जरूर धोएं। वहीं रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों ने भरोसा दिलाया है कि लोगों की मुसीबत में रेड क्रॉस सोसाइटी हमेशा उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ी रहेगी। सितारगंज शाखा ने आपदा ग्रस्त क्षेत्रों का जो है दौरा किया, उसी के क्रम में हमें जो है मुख्यालय से एक किट प्राप्त हुई, हाइजेनिक किट। उसको जो है आपदा ग्रस्त लोगों में जो आपदा से पीड़ित हो गए थे उन लोगों में जो है आज हमने आपदा किट जो है हाइजेनिक किट जो थी वो हमने वितरित की। उसी के साथ हमारे साथ जो है सोनू जायसवाल जी, अनवास सुहेल जी और रविंदर जिंदल जी, शिवम सिंगल जी, इन सभी पूरी टीम ने आज अरविंद नगर गाँव में पहुँच कर करीब 50-100 लोगों को हाइजेनिक किट का वितरण किया और वहीं उनको भरोसा दिलाया कि द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके सभी रेड क्रॉस सोसाइटी के लोगों ने हाइजेनिक किट जो रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा आई थी उनका वितरण किया है। उसमें हमारे साथ जो रहे हैं सहयोगी रवि रस्तोगी, अनवार सुहेल, शिवम सिंगल, अंशुल अग्रवाल, रविंदर जिंदल। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।